Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahada, your social science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number second from your book, our past three book, and the name of your chapter is From Trade to Territory. Class, in our last class, we discussed about the setting up of the administration, how a company established their administration. We have discussed about that. So now our today's topic is the company army. We will talk about the company army and the slave trade of Africa. So, you all know what is colonial rule. Colonial rule in India, British rule in India, brought in some new ideas of administration and reforms. They brought some new ideas like how we can manage this land, how we can reform this land, this territory, the people of India, how we can reform them, how we can administer them. So, new ideas, they brought the new ideas and they brought the new reforms, but its power rested on its military strength. Jo iski power thi wo iske paas thi, its power rested on its military strength. Okay, so at the time of Mughal, what happened? The Mughal army was mainly composed of cavalry and infantry. Now, what is cavalry? सवार नाम सुना होगा, ठीक है. कैवलरी मीन सवार, ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक. जो ट्रेन्ड सोल्जर्स घोड़े के, ये देखिए यहाँ पे ये सोल्जर्स हैं, ये घोड़े के बैक पे बैठे हुए हैं. ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, दीज आर नोन एज कैवलरी, ठीक है. हम इन्हें सवार भी बोलते हैं हिंदी में. Men on horses. Sawar means men on horses. And infantry. Now, what is this infantry? Infantry means foot soldiers. जो पैदल चलते हैं ना, पैदल, आपने ना मूवीज में देखा होगा, कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो घोड़े पे, हॉर्स की बैक में जाते हैं, कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो चलते हैं, फुट सोल्जर्स बोलते हैं. तो पैदल पैदल भी बोल सकते हो, पैदल सिपाही. हमने जो टर्म दिया गया है वो क्या टर्म दिया है? इन्फेंट्री टर्म दिया गया है, इन्फेंट्री टर्म दिया है. ओके, सो नाउ दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, ठीक है. तीर अंदाजी जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो आर्चरी है, ठीक है. तो आर्च, अभी ओलंपिक्स में हमारे इंडिया में आर्चरी में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है आर्चरी में, ठीक है. सो दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, आर्चरी तीरंदाजी में उनको क्या किया जाता है, तीरंदाजी में उनको ट्रेनिंग दी जाती है. एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मींस तलवार, तलवार का यूज कैसे करना है ये भी क्या है इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है. उनको ट्रेनिंग दी जाती है. द कैवलरी इज डोमिनेटेड द आर्मी, जो कैवलरी थे वो काफी डोमिनेटेड थे, ठीक है, वो डोमिनेट करती थी आर्मी को. एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री. अब जो मुगल स्टेट थे उनको पैदल जो फुट सोल्जर्स थे उनकी ज्यादा नीड नहीं थी, वो कैवलरी पे बहुत फोकस करते थे. तो वो कैवलरी जो थी, जो मुगल आर्मी थी, आर्मी को काफी डोमिनेट कर रही थी, ठीक है. मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा मेन जो रोल है, जो मेन ट्रेनर्स थे, जो मेन सोल्जर्स थे, वो कैवलरी में थे. द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स. अब देखो आर्म्ड पीजेंट्स काफी थे वहां पे लार्ज रूरल एरियाज में, तो जो जमींदार्स होते थे वो मुगल्स को क्या सप्लाई करते थे, पैदल सोल्जर्स सप्लाई किया करते थे, ठीक है. सो नाउ जस्ट लुक एट दीस पिक्चर्स, सवार कैवलरी एंड इन्फेंट्री, ठीक है. इन्फेंट्री foot soldiers. Let me complete this topic for you. Okay, so now next is
A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. Now, एक change अब कहाँ से occur होने लग गया था? एक change अब 18th century में changes आने लग गए थे. अब जो Mughal successor states थे, ठीक है, जहाँ पे Mughal dominated states जो थी, जैसे Awadh हो गया, Banaras हो गया, they started recruiting, ठीक है, वो पीजेंट्स को क्या एज अ सोल्जर जो है पीजेंट्स को रिक्रूट करने लग गए थे आर्मी आर्मी में डालने आर्मी में वो क्या करने लग गए थे आर्मी में उनको भेजने लग गए थे ट्रेनिंग देने लग गए थे. तो इससे प्रोफेशनल सोल्जर एज अ प्रोफेशनल सोल्जर उनको बनाने लग गए थे. अब आर्म्ड पीजेंट्स को जो नॉर्मल आर्म्ड पीजेंट्स हैं उनको ही The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army. From the Indian word Sepoy means soldier. अब East India Company ने भी क्या है जो Mughals ने method adopt किया था? क्या method adopt किया था? They adopted the same method of recruiting their own army. उन्होंने अपनी army को recruit करना start कर दिया था जैसे कि Mughals recruit कर रहे थे. और इस army का जो name दिया उन्होंने क्या name दिया था? उन्होंने name दिया था Sepoy. ठीक है, इस army का नाम दे दिया था उन्होंने Sepoy Army. Sepoy का मतलब क्या है? सिपाही जो टर्म है इंडियन वर्ड सिपाही सिपाही आप सबको पता है सोल्जर्स को बोला जाता है. तो सोल्जर्स को जो सिपाही टर्म है सिपाही को वो क्या प्रोनाउंस करते थे? सिपाही. ठीक है, तो सिपाही मींस सोल्जर. सो उन्होंने सेम जो मेथड है मुगल्स का मेथड अडॉप्ट किया था फॉर रिक्रूटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ देयर ओन आर्मी. नाउ The cavalry requirements of the company's army declined in 1820s. अब जो cavalry requirement थी, ठीक है, cavalry requirement मतलब जो horseback में जो सवार थे, ठीक है, archery and uses of sword, ये काफी क्या होने लग गया था? Decline होने लग गया था 1820s से. Why question arises? Why अब ऐसा क्यों होने लग गया था? Because the British Empire was fighting in This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt where soldiers were armed with muskets and matchlocks. ठीक है, अब British Empire क्या कर रही थी? Burma. Burma is like present day Myanmar को Burma कहा जाता था. ठीक है, Burma, Afghanistan and Egypt. British Empire Burma, Afghanistan और Egypt के साथ fight कर रही थी where soldiers were armed with muskets. Now there is a term called musket. What is musket? Musket is a heavy gun used by infantry soldier. Just look at this picture. This is the picture of like a musket and matchlocks. ठीक है, इसमें ये एक heavy gun है. It is a heavy gun जो आपके infantry soldiers थे. Infantry soldiers आपको बताया ना जो foot soldiers थे वो use करते थे muskets. Heavy gun को बोला जाता है muskets. ठीक है, उसमें matchlocks क्या होता था? एक ऐसी gun होती थी जिसमें powder को क्या किया जाता था? Powder उसके अंदर भरा जाता था. ठीक है, fill किया जाता था match से और उसके बाद उसको क्या किया जाता था? उसके बाद उसको यूज किया जाता था. तो 1820s से क्या होने लग गया? 1820s से मस्केट्स और मैचलॉक्स का यूज होने लग गया था. So the soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important. The soldiers of the company's army अब जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट थी उसके साथ उनको अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, ठीक है, हमें भी अपडेट होना पड़ता है ना. तो जस्ट लाइक दैट कंपनी की जो आर्मी थी उन्हें भी क्या करना पड़ रहा था? उनको भी जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे उस चेंजेस के साथ क्या करना पड़ रहा था? चेंजेस के साथ अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट को उस पेस में चलना पड़ रहा था. ठीक है, जो भी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे जो भी इन्फेंट्री सोल्जर्स थे अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके थे बिकॉज नाउ कंपनी इज यूजिंग मस्केट एंड मैचलॉक्स. ठीक है, फॉर फाइटिंग. So and early 19th
सेंचुरी की बात करते हैं तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अब ब्रिटिशर्स ने क्या है 19th सेंचुरी में यूनिफॉर्मिटी मतलब बोलते ना जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हो सब एक जैसे लगते हो जस्ट लाइक दैट ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को क्या कर दिया था डेवलप कर दिया गया था. और ये जो ट्रेनिंग थी यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग उन्हें सोल्जर्स को देने लग गए थे. ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. उनको अब ड्रिलिंग दी जा रही थी डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था जिससे कि अब उनकी लाइफ जो है और ज्यादा रेगुलेटेड हो ठीक है और ज्यादा रेगुलेटेड हो. पहले से काफी डिसिप्लिन उनको सिखाया जा रहा था जिससे कि जो सोल्जर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो ठीक है वो लाइक वो डिसिप्लिन में रहे ठीक है. तो एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया था. बट ये जो यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर है ठीक है सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर. Often this created, but this created a problem. क्या problem create हुई? Caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. अभी जो caste और community feelings थी, वो काफी जो professional soldiers थे, क्या करते थे? अब उनको उनकी caste, उनकी community की feelings, उनकी regional feeling, उस सब को ignore कर दिया गया और उनको बोल दिया गया नहीं, just आपको soldier बनना है, professional soldier बनना है, आपको European style में ही चलना पड़ेगा, आप अपने style में नहीं चल सकते हो. तो this created so much problems like could individuals so easily give up their caste and religious feelings could individuals so easily give up their caste and religious feelings तब उनको क्या जो soldiers थे वो अपनी caste को अपनी community feelings को इतनी easily give up कर देते या सब कुछ छोड़ के वो European style को easily adopt कर लेते. Yeah, could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? Yeah, वो अपने खुद के मतलब community के members नहीं हैं, खाली soldiers ही हैं. तो ऐसे बहुत सी problems जो है उस time पे arise हुई थी. Mainly जो है caste और community feelings बहुत ज़्यादा hurt हुई थी उस time पे. Okay, so now if we conclude this chapter, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. We have started this chapter. ठीक है, हमने देखा East India Company as a trading company आई थी, जो trade करना चाहती थी, उनके main aim भी उनका trading ही था. But कैसे उनका territorial धीरे धीरे उन्होंने बंगाल को capture किया, फिर उड़ीसा को, मैसूर को, महाराष्ट्र को, ठीक है, फिर कुछ parts आके अवध को, ठीक है, धीरे धीरे करके वो policies लेकर आते गए और उन्होंने क्या कर लिया territorial colonial power, ठीक है, extend कर लिया अपना जो extension है territorial colonial power. कैसे trading company से territorial एक land power बन गई थी, land colonial power हो गई थी, land को उन्होंने अपने अंदर उन्होंने annex कर लिया था. So the arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. अब उस time पे new steam technology भी arrived हो गई थी. We will talk about it in our further chapters. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months. अब देखो क्या होता था, पहले 6 to 8 months लगते थे अगर उनको यूरोप से इंडिया आना होता था या इंडिया से यूरोप जाना होता था, उनको 6 months लगते थे, 6 to 8 months लगते थे. बट नाउ स्टीम इंजन आने की वजह से क्या हो गया था, इनका जो जर्नी टाइम था 3 weeks में कन्वर्ट हो गया था. अब वो 3 weeks में क्या कर सकते थे, इंडिया से यूरोप जा सकते थे, यूरोप से इंडिया जा सकते थे. Enabling more Britishers and their families to come afar off country like India. अब इससे क्या हुआ, Britishers और ज़्यादा Britishers जो हैं आने लग गए थे, ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में आने लग गए थे, और ज़्यादा Britishers अपनी families के साथ आके यहाँ पे establish होने लग गए थे, because steamships जो हैं हमारी introduce हो चुकी थी, जिससे जो journey timing था वो काफी reduce हो चुका था, okay? And by 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 की great revolt हुआ था या first war बोल सकते हो against Britishers.
हुआ था उस टाइम जब 63% लैंड जो है ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डायरेक्ट रूल में ले ली थी और 78% पॉपुलेशन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंपनी के अंडर वर्क कर रही थी अंडर थी Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole India, all of India under its control. और जो remaining portion था वहाँ पे क्या था वहाँ पे indirect control था India का जो Britishers थे जो colonial rule था colonial power थी उनकी indirect control था उनका. Okay, class. So now we have briefed all about the East India Company की कैसे trade से trade करने आए और कैसे उन्होंने हमारी land को capture कर लिया, ठीक है? और क्या-क्या ऐसे reasons थे जिसके वजह से वो हमारा land capture कर पाए, ठीक है? हमने ये सारी चीजें इस chapter में पढ़ी. Now there is a one more topic called mentioned in your book, slave trade in South Africa. So now slave trade in South Africa. The Dutch trading ships reaching Southern Africa in the 17th century. So much slave trade began. People were captured, chained, and sold in slave markets. When slavery ended in 1832, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape. Located at the southernmost tip of Africa. Now, just like India, South Africa was also the country where like colonial, even Africa puri bhi aisa continent tha jahan pe colonial establishment tha. Kuch Dutch the Dutch kuch Dutch speaking the, theek hai, kuch Dutch people the, kuch Britishers the, kuch Germans the, kuch European countries thi, kuch unhone Africa ko bhi na capture karne ki koshish ki thi. Yahan pe bhi Africa bhi ek rich resource country hai, to wahan pe bhi unhone na trade karne ki koshish ki thi. To trading ships jo Southern Africa mein jab 17th century mein पहुंचे तो वहां पे स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो चुका था. स्लेव ट्रेड, स्लेव क्या होते हैं? जो नौकर होते हैं, आपके गुलाम होते हैं, उनको हम स्लेव बोलते हैं. अब गुलामों को क्या करना है? इलीगली ह्यूमन का ट्रेड करना, ठीक है? गुलाम बना के उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है? वहां पे काम करना. अब वो क्या करते थे? लोगों को फोर्सफुली कैप्चर किया जाता था, उनको बांधा जाता था. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फोर्सफुली उनको कैप्चर कर रहे हैं, उनको बांध रहे हैं. और उसके बाद क्या है, स्लेव मार्केट्स में, अब जैसे अमेरिका हो गई और कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी और उनको वर्किंग पॉपुलेशन की जरूरत थी, वहां पे काम करने वाले लोग नहीं थे, तो उनको लोगों की जरूरत थी. तो उन्होंने अफ्रीका से क्या है, स्लेव्स मंगवाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? 1834 में स्लेवरी जो है फाइनली एंड हो चुकी थी. और फाइनली जब एंड हुई थी तब हमने देखा था कि अफ्रीका का जो एक सदर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, केप टाउन बोलते हैं, ठीक है, केप, वहां पे 36,774 privately owned, लोगों ने खुद के slaves को own कर रखे थे, खरीद रखे थे, उनको उन्होंने देखा वहाँ. privately owned 36,774 जो है slaves हैं, ठीक है? A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at a slave auction, ठीक है? एक visitor था जो Cape में जिन्होंने visit किया, and what he saw and what he, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? Having learned that there was to be sale of cattle, ठीक है, slave auction मतलब कि वहाँ पे एक मार्केट चला दिया गया था कि आप यहाँ से ये चीजें खरीद सकते हो, तो सेल ऑफ कैटल, फार्म स्टॉक एटसेट्रा बाय ऑप्शन. We halted our wagon for the purpose of procuring fresh oxen. Among the stock was a female slave and her three children. The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent.
contrasted with the market insensitivity and jocular countenances of the spectators. Now, जो विजिटर है वो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमने यहाँ पे हॉल्ट लिया, मतलब हमने यहाँ पे एक रेस्ट लिया. हॉल्ट मतलब कि रेस्ट लेना होता है. वी हॉल्टेड आवर वैगन. वैगन क्या होता है? वैगन इज लाइक एक रेलवे ट्रेन को बोला गया जो एनिमल्स को और बुक्स को कैरी करती है ना. तो वहां पे एक वैगन, एक ऐसी गाड़ी आके रुक गई और हमने वहां से फ्रेश ऑक्सन, ऑक्सन क्या ऑक्स और ऑक्सन, ठीक है पता है ना ऑक्स और ऑक्सन क्या होता है, ऑक्सन को हमें खरीदना था. तो हमने वहां पे क्या कर लिया, वो वैगन जो है वहां पे रुकी और ऑक्सन के लिए ऑक्सन को उसे क्या करना था, अपने गाड़ी में डालना था. तो हमने स्टॉक में देखा कि वहां पे एक स्लेव, फीमेल स्लेव भी थी और उनके उसके साथ उसके तीन बच्चे भी थे. जब फार्मर्स ने एग्जामिन किया तो वहां पे बहुत सारे कैटल्स, मतलब उन्हीं फीमेल, जो फीमेल और उसके तीन बच्चे थे उन्हीं के साथ में वहां पे बहुत सारे कैटल्स भी थे. ठीक है, कैटल्स मतलब उनको जानवरों के बीच में ही डाल के रख दिया था. उनको सेपरेटली सोल्ड किया जाता था, परचेज किया जाता था. अब उसकी मदर के जो मदर बहुत ज्यादा क्या है, डरी हुई थी, बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी और वो जब अपने बच्चों की तरफ देख रही थी, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख भी था कि अब ये जो पूरा वंस है, ये छोटे बच्चे हैं, ये अपने पेरेंट्स से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे. ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो ये विजिटर है वो यहाँ पे ये शो करना चाह रहा है कि कैसा मार्केट जो है कितना इनसेंसिटिव था. ठीक है, कैसे अलग अलग मतलब कि एनिमल्स की ट्रेड के साथ यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की भी क्या हो रही थी, ट्रेडिंग हो रही थी. ठीक है, so now there is a term, jocular countenances. jocular का मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो humorous. ठीक है, humorous बोल सकते हो कि मतलब कि आप ही बोल humorous बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कि जिसको जोक में कहा जाता है किसी चीज को. कि यहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग तरीके के और जो स्पेक्टेटर्स थे वो क्या कर रहे थे, मार्केट की जो इनसेंसिटिविटी थी, ह्यूमन ट्रेड था, उसके उनके ऊपर वो हंस रहे थे, उनकी कंडीशंस को देख के वो हंस रहे थे. सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ऑल अबाउट दिस चैप्टर. गो थ्रू दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर.